आज हमारे हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जयप्रकाश गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी हमारी माता जी का प्रवास हुआ है। उन्हीं के इसमें श्रद्धांजलि देने के लिए मैं और हमारे सभी पदाधिकारी सभी साथी पहुँचे हैं, और बहुत सेवा परिवार ने भी की, उन्होंने भी बहुत सेवा जयप्रकाश जी के साथ मिलकर, क्योंकि दोनों लोगों ने जब ये ठान लिया कि राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करनी है, तो उनका भी बराबर का सहयोग था। वो जरूर ये बात है कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सफलता के पीछे जयप्रकाश जी ने जो भी सफलता हासिल की उसमें बड़ी भूमिका उनकी थी। सर, ये गुड्डा जी आज रेवाड़ी में किसान महापंचायत कैप्टन अजय यादव ने भी उनका निशाना बनाया कांग्रेस के, कि गुड्डा जी को अब याद आई किसानों से, तो क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं, आपने भी सत्याग्रह किया था? देखिए, किसानों को तो सबको याद करना भी चाहिए और उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए, और सभी साथी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। आज किसान, खेतीहर, मजदूर, गरीब आदमी की, नौजवान की, प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, इन सब के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो कांग्रेस के नेतृत्व ने, सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में उठाई है, और मैं समझता हूँ कि सभी साथियों को और मजबूती से इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहिए। आप भी जाएंगे? नहीं, मैं तो अभी मेरे खुद के कार्यक्रम है, अभी इसके बाद मैं सफ़ीद हो जाऊँगा, जीन जाऊँगा, मेरे अपने प्रोग्राम है, लेकिन सब साथियों को सड़कों पर आकर के काम करना चाहिए। सर, कैप्टन अजय यादव जी निशाना साध रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस की फूट दिखाई दे रही है, मुझे जानकारी इस बात की नहीं है, बात करेंगे क्या मामला है। सर, एक जो पंजाब में जो है विधानसभा में जो हंगामा मचा, काफ़ी हंगामा, पकड़िया तक कुछ देश भर में निंदा की जा रही है घटना, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, उसकी गहराई में जा कर के ही मामले का पता चलेगा क्या है, लेकिन जो ऊपरी तौर पर देखने में आया है, जो अखबार में और टीवी के माध्यम से देखा है, कि जो विधायक थे वहाँ पर, आज विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने उपद्रव किया, मार पिटाई तक करने की कोशिश की, जो महिलाएं वहाँ पर अधिकारी अंदर हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, और उसके बाद वहाँ के स्पीकर ने उनको निष्कासित करने का काम किया। निष्कासित करने के बाद फिर धक्का मुक्की हुई। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और लोग एक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। हालाँकि आज राजनीतिक लोगों की वैसी साख बची नहीं है, ये भी दुर्भाग्य है, लेकिन इस तरह के जो कार्यकलाप हैं उससे राजनीतिक लोगों की और छवि नीचे गिरती है। इसलिए सबको मिल करके हमें अच्छे कानून बनाने चाहिए, अच्छे फैसले करने चाहिए। आज पंजाब 10 साल के बाद जो माफिया राज वहाँ पर था, ड्रग माफिया था, रेता माफिया था, ट्रांसपोर्ट माफिया था, केबल माफिया था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उससे निजात पाई है। इसलिए अच्छे फैसले लेकर के सब लोग पंजाब को आगे बढ़ाएं, और यही काम हरियाणा के अंदर भी सरकार को करना चाहिए। विपक्ष के विधायक सर कांग्रेस सरकार पे ही कह रहे हैं कि इन्होंने ही हमारे पे हमला कराया। तो मैंने वही कहा ना कि वो तो सारा मैंने डिटेल में बता दिया है मामला, कि क्यों करवाने की जरूरत पड़ी। जब अंदर अटैक करना शुरू कर देंगे तो उसको रोकने का काम भी तो अंदर स्पीकर का और जो दूसरे अधिकारी हैं उनका है, और उनको भी टारगेट बनाना जाएगा। ये कोई वहाँ पर लठतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र के माध्यम से चुन करके सरकारें आई हैं, उनको लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। सर, एक नील भी जो कुलदीप सामने सामने किस तरह से देखिए, वेद साहब तो केवल बातें बात करते हैं। अभी मैं कुरुक्षेत्र में दयालपुर गांव से आया हूं, जहां पर सिलेंडर लीक करने से एक बड़ा हादसा हुआ, 4 बच्चों की मौत होगी, जो महिला हैं उनके भी काफ़ी गंभीर रूप से वो घायल हैं, इलाज उनका चल रहा है, जल गई है वो पूरी तरीके। कल मैं PGI में मिल के आया, आज यहाँ पर मिल कर के आया, वहाँ बताया कि एम्बुलेंस 3 घंटे बाद पहुँची है। जब तक ऑटो में डाल करके जितने भी जले हुए शरीर थे उनको वो यहाँ लेकर के गए, जब डेड बॉडी को उनको मृत घोषित कर दिया तो PGI वहाँ से उनको टेम्पो में डाल करके लेके आए। तो विद साहब को अपने स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए, जो बहुत बुरी हालत में है, और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो इस सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से फेल है। सर, एक वल्लभगढ़ में घटना हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोई जात, कोई धर्म देख करके हम किसी के ऊपर अटैक करें, मामला सीट का था और उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, और उसमें एक लड़के की मौत होगी, कई लोग घायल हो गए। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ख़त्म है, धरातल पर है,
और आज उसी की वजह से जो गुंडा तत्व है, जो इस तरह के लोग हैं जो धार्मिक उन्माद को बढ़ा करके आगे राजनीतिक रोटियां अपना सेकना चाहते हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है। इसको तुरंत कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। अनिल चौहान के पति जगह बलवान जी के साथ।